डैडी ज्यादा आइसक्रीम खा गया, मुझे और चाहिए। नहीं बेटा, फिर कभी, आज नहीं। बेटा आराम से बैठो। कितना मजा आता है। बस बस। बाइक में मैं तो दब भी जाऊंगा। हस्तविन, आज पूजा का सामान नहीं लोगी? नहीं, आज नहीं। अगली बार मैं ज्यादा आइसक्रीम खाऊंगा। अगर उनका फ्री तो खाएगा ना। पापा देखो ना, हर बार ऐसा ही करता है, आइसक्रीम खाता है और मुझे चिल्लाता है। ये छोटा इसलिए कहा। मम्मा, मम्मा। मम्मी मैं पापा से आइसक्रीम नहीं मांगूंगा। मम्मी नहीं नहीं नहीं। माँ बाप अपने बच्चों को सांसें देते हैं, लेकिन वो कौन सी वजह थी जिसने उन्हें अपने ही बच्चों की सांसें रोकने पर मजबूर कर दिया? कभी कभी हमें कुछ ऐसे मर्ज मिल जाते हैं जिन्हें अगर वक्त रहते ठीक नहीं किया जाए तो वो नासूर बन जाते हैं, और ये नासूर इतने गहरे हो जाते हैं कि बाद में उन्हें किसी दवा से भी नहीं भरा जा सकता। दर्द और पीड़ा इतनी ज्यादा होती है कि हमारी हिम्मत घुटने टेक देती है, और इस दर्द के आगे हमें मौत भी छोटी लगने लगती है। तो क्या ऐसा ही कोई मर्ज जितेश पटेल के परिवार को भी मिला था? हट जाइए प्लीज यहां से। आप में से किसी ने इन्हें यहाँ देखा था इस हादसे से पहले? जी सर, मैं पास ही से गुजर रहा था कि अचानक मुझे कुछ आवाज आई। बाइक का नंबर देखा था? हाँ सर। धीरेन, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आती हैं, इस बाइक के सारे डिटेल्स निकलवाओ। हो सकता है ये आदमी इन मौतों का जिम्मेदार है और ये सब होने के बाद कहीं भाग निकला। सर, मारो काले प्रोजेक्ट छे, मारी मदद कर जो। आप तो ऊपर से कुछ भी कर सकते हो ना, इतनी सी हेल्प कर दो। इसके बाद मम्मी को भी हेल्प करना है। अच्छा, अपने पापा से शिकायत हो रही है मेरी? अच्छा, कर ले, खूब शिकायत कर ले तू। नहीं मम्मी, मैं आपकी कंप्लेन थोड़ी कर रही थी, मैं तो पापा से हेल्प मांग रही थी। ये लो, आ गए आपके कंपनी वाले, इनको बोलो ना नाइट शिफ्ट हटा के दिन की शिफ्ट कर ले। नहीं अभी नहीं बेटा, वैसे भी थोड़े दिन बाद तू अपने पैरों पे खड़ी ही हो जाएगी, तब तक जैसा चल रहा है चलने दे। चल मुझाओ छू, रसोई बना भी लीजिए, तुझे मिले जे। हाँ चलता है, बाय मम्मा। सर, बाइक की डिटेल्स आ चुकी हैं, एड्रेस वागोदिया का है। धीरेन,
घर का कोना कोना छान मारो। सर धीरेन, ये देख, ये लोन एग्रीमेंट भी उसी के नाम है जिसके नाम पे बाइक थी, जितेश पटेल। इस घर में हमें और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिल सकते हैं, अच्छी तरह से तलाशी ले। सर यहाँ आइए। सर ये वही बाइक है, नंबर सेम। सर अंदर आइए जल्दी। जेबी चेक करो। फॉरन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर ये बात बड़ी अजीब सी है धीरे, पहले इस परिवार के बाकी लोगों की मौत हुई और अब हमें इसकी लाश मिली, जरूर कुछ बड़ा हुआ है वरना एक ही परिवार के इतने लोगों की मौत नहीं होती। एक काम करो, आसपास के लोगों को ये फोटो दिखाओ और इस परिवार के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करो। सर और हाँ, वो आदमी जिसने बाइक का नंबर बताया था उसे भी ये फोटो एक बार दिखाओ, क्रॉस वेरीफाई करना जरूरी है। राइट सर। साहब भाई तो जितेश भाई ने फोटो है। क्या करता है जितेश? जितेश भाई नहीं, पास में एक स्टेशनरी की दुकान है। लास्ट कब देखा था इसे? कल सुबह ही देखा था, जब वो यहाँ से गए थे उसके बाद नहीं देखा। तुम्हारे पास इस जितेश का नंबर है? हाँ छेड़े साहब, आप वो अपना। अरे आप लोगों ने इतना वक्त क्यों लगा दिया यहाँ आने में? ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ये देखो, ये स्पॉट दिख रहा है? आई थिंक सर्जरी की इमीडिएटली जरूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब सर्जरी? सर इसमें कितना खर्चा आ जाएगा? करीबन 5 लाख के आसपास। 5 लाख? हाँ जी। इतना पैसा कहाँ से लेकेंगे हम? आप लोन लीजिए ना, आजकल मेडिकल लोन आसानी से मिल जाता है। इतनी जल्दी हमें लोन कैसे मिलेगा? मैं एक एजेंसी को जानता हूँ, अगर आप चाहो तो। जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, मौत जहर खाने से हुई। सर इस आदमी का मैंने बैकग्राउंड चेक किया है, पिछले कुछ दिनों से जितेश की दुकान काफी नुकसान में चल रही थी। सर ये उसके बैंक स्टेटमेंट्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं। सर इस स्टेटमेंट में किसी गुंजल फाइनेंस सर्विसेज की भी एंट्री है, हो सकता है सर जितेश ने इस फर्म से कुछ लोन लिया। पर सर जो डॉक्यूमेंट हमें उसके घर से मिला था उससे ये पता चलता है कि इस लोन के बदले उसने कुछ ज्वेलरी इनके पास डिपॉजिट रखी थी। ये आदमी कर्जे में था, लॉस में था, कहीं ये लॉस ही इसकी सुसाइड का कारण तो नहीं? एक काम करते हैं, इस प्राइवेट फर्म से पूछताछ करते हैं, स्पेशली इस जितेश की फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर। एक बात मेरे गले नहीं उतर रही, इसके परिवार ने एक दिन पहले सुसाइड किया, फिर उसी रात इसने जहर खा के आत्महत्या कर ली, ये माजरा क्या है? अगर इसे सुसाइड ही करना था तो उसी वक्त अपने परिवार के साथ भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया बल्कि उनको मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग गया। सर मैंने जितेश के फोन रिकॉर्ड्स भी चेक किए, उसके परिवार के मरने के बाद उसके फोन की लोकेशन उसके घर की थी। रात को 11 बजे उसे किसी एक नंबर से फोन आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सुसाइड भी उसने उसी रात किया था, करीब 12 से 1 के बीच में।
और सर इस नंबर से उसे पहले भी कई बार फोन आ चुके हैं। इमीडिएटली इस नंबर पे कॉल करो, ये जो भी है उसे पूछताछ के लिए यहाँ बुलाओ। सर मैंने इस नंबर पे फोन किया था लेकिन फोन स्विच ऑफ था। इस नंबर से जुड़ी हर डिटेल मंगाओ, इस तक हमारा पहुँचना बहुत जरूरी है। हो सकता है ये जितेश और उसके परिवार की मौत का राज जानता है। अरे सिर्फ एक सेंटीमीटर का फासला रहेगा। लोग तो कहते हैं कि इस हेलमेट से लाइफ की सेफ्टी बनी रहती है। अरे कहीं यही हेलमेट मेरे हार्ट अटैक का कारण ना बन जाए। और रैली जब मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे? करना क्या है, तुम्हें कहीं और ड्रॉप कर दिया करूंगा। मैं कोर्स खत्म होने के बाद किसी बड़े शहर में चली जाऊंगी, अपने सपनों को पूरा करना। अरे बाबा तुम किसी भी शहर में जाओ और जो तुम्हारा दिल है ना वो तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। एंड बाय द वे तुम्हें अपना हर एक सपना पूरा करना चाहिए। तुम्हारे इस सपने के लिए तुम्हारी माँ ने कई नींदें बर्बाद की है। हाँ अनंत, मुझे जैसे ही जॉब मिल जाएगा ना मैं सबसे पहले मम्मी से कहूँगी कि वो अपनी जॉब छोड़ दे। आशना जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया है ना शायद किसी और की माँ ने कभी नहीं किया होगा। फैशन डिजाइनर बनने का सपना पूरा करना वो भी अकेले दम पर, छोटी बात नहीं है। जितेश नहीं रहा साहब? बहुत सारो माणस हो तो मेरे पास आया था तब बहुत मुसीबत में था। कितने का लोन लिया था जितेश ने? 5 लाख। अपनी बीवी के गहने भी गिरवे रख के गया था वो। लेकिन उसके बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 3 लाख की एंट्री है। बहुत मुसीबत में था साहब, 2 लाख कैश दिए थे मैंने। कुछ बताया था आपको क्यों चाहिए थे उसे पैसे? कोई खास जरूरत? मुझे तो बोला कि नरपत भाई धंधा चौपट हो गया है, बहुत नुकसान ही में था शायद, बहुत कर्ज भी था साहब, बच्चों की पढ़ाई तक के पैसे नहीं थे उसके पास। ओके सर, उस नंबर की डिटेल्स आ चुकी हैं। सर यही का एड्रेस है जिस नंबर से जितेश को अक्सर कॉल आते थे, किसी कुंतल झा के नाम से रजिस्टर्ड है। इस घर की अच्छे से तलाशी लेनी है, सारे कमरों की तलाशी लो। सारे लोन्स के डॉक्यूमेंट्स, इसमें तो इस कुंतल झा के भी डॉक्यूमेंट हैं। सारे लोगों की डिटेल इकट्ठा करो, सबके साथ क्रॉस चेक करते हैं। सर हेलो, हाँ हाँ हो जाएगा, मैं अभी जाता हूं। छाया भायाणी नु घर छे? हां हूं छु छाया, बोलो शु काम छे? मुझे डॉक्टर वासवाणी ने आपके बारे में बताया था। आई अंदर आई। ये लीजिए आपकी जरूरत के 5 लाख। तुम्हें आमच 5 लाख आप पूछो? आप तो हमें जानते भी नहीं है। हम आपको नहीं जानते पर आपकी जरूरतों को, आपकी मजबूरियों को तो जानते हैं ना। देखिए हमने ये फर्म इसीलिए खोला है कि जरूरतमंदों की जल्द से जल्द हर मदद कर सके। हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। देखिए जैसे बैंक आपको लोन देती है और उस रकम पर आपसे इंटरेस्ट वसूलती है, वैसे हम भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक में लोन पास करवाने में काफी वक्त निकल जाता है और हमारी सर्विस काफी फास्ट है, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट 30% है। और इस पैसों के बदले में आप घर जेवर कुछ भी गिरवे रख सकते हैं। उपहारों पे मिलना छाया अटली मोटी लो,
हमारी भी कैसे करेंगे? लोकेश, इस वक्त मेरे लिए तुम्हारी सर्जरी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। क्या होगा, इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन वो हमारी जरूरत से बड़ा तो नहीं। और वैसे भी ये वक्त सवाल जवाब में वेस्ट करने का नहीं है। मदद खुद हमारे घर चलकर आई है, वो मुझे नहीं लगता कि हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने कम वक्त में आपने हमारी इतनी मदद कर दी। एक मिनट, आप इस फॉर्म पर यहाँ पर साइन कर दीजिए, ये लीजिए, और आपके घर के पेपर्स मुझे दे दीजिए। आमतौर पर जब हम एक बैंक से अपने निजी खर्चों के लिए लोन लेते हैं तो हमें उस पर लगभग 14-16% का ब्याज भरना पड़ता है, और इस ब्याज को भरने के लिए एक तारीख मुकर्रर होती है। लेकिन अचानक इस तरह कोई किसी की मदद क्यों करना चाहता था? कौन था ये शख्स जिसने छाया के सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए बिना ही उसे 5 लाख रुपए नकद दे दिए? सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, पर अभी 7 दिनों तक पेशेंट को रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत है, इसलिए अभी उनको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। थैंक यू डॉक्टर। हेलो। हाँ मैडम, देखिए आपके पेपर में बहुत गड़बड़ है, आप एक काम कीजिए, फौरन ऑफिस आ जाइए। अरे नरपत जी, सुनिए तो सही। हेलो, मैंने कुंतल शाह के बारे में पता लगाया, कुछ वक्त पहले उसकी ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सर, इन सभी फैमिलीज में एक चीज कॉमन है, सुसाइड। इन सभी के घरों को किसी और को बेच दिया गया क्योंकि पुराने लोग अपना कर्जा चुका नहीं पाए। धीरेन, इस पूरे मामले में मुझे कोई बड़ा खेल नजर आ रहा है। पहले जितेश पटेल, अब ये सारे लोग, कहीं इन सब ने डर के मारे तो सुसाइड नहीं कर लिया? हो सकता सर, स्केच को बनाने में भी हमारी ज्यादा लोगों ने मदद नहीं की, बहुत लोग डरे हुए हैं सर। वो तो कुछ लोग थे जिन्होंने शख्स को उन घरों में आते जाते देखा है, इसलिए स्केच तैयार हो पाया। स्केच को चारों तरफ फैला दो, सारे पुलिस स्टेशन और सारे खबियों को रेड अलर्ट पे डाल दो, कहीं से कोई भी खबर हमें इस आदमी तक पहुंचा सकती। सर, भाई अय्या नरपत भाई छे, आइए बैठिए। उन्होंने मुझे फोन किया था, कह रहे थे कि कागज में कुछ गड़बड़ है। देखिए मैडम, कागज वागज का मुझे जमता नहीं है, वो सब नरपत भाई देखते हैं। मैं तो यहाँ बस रिकवरी का काम करता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपसे 5 लाख रुपए ले लूँ। किया, पर अभी मैं वो पैसे नहीं लौटा सकती, मैंने तो सारे पैसे अपने पति के इलाज में खर्च कर दिए। कोई बात नहीं, पर आप इंटरेस्ट तो पे कर सकती हैं ना? हाँ हाँ, वो मैं पे कर दूंगी, हर महीने। हर महीने नहीं मैडम, अभी। अभी? आप अचानक से मुझसे ऐसे इंटरेस्ट कैसे मांग सकते हैं? और इंटरेस्ट की इतनी बड़ी रकम, इतने कम टाइम में मैं कैसे इंतजाम करूंगी? तो फिर मुझे आपका घर नीलाम करना पड़ेगा। नहीं नहीं प्लीज, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। और वैसे भी उस एग्रीमेंट में ये क्या लिखा था कि आप अचानक से कभी भी इंटरेस्ट मांग सकते हैं? आपके डॉक्यूमेंट भी कहाँ ठीक थे मैडम, रिकवरी करना ही मेरा काम है मैडम, और रिकवरी तो मैं करके रहूंगा, ऐसे नहीं तो वैसे। अरे अब क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट तो मेरा तुझ में है, तू मेरा ये इंटरेस्ट पूरा कर दे और मैं तेरा वो इंटरेस्ट संभाल लूंगा। Thank you.
सर, मैंने इस आदमी का पता लगाया। इसका नाम सत्ता है। लोग इसे सत्ता बाउंसर के नाम से भी जानते हैं। कुछ पुलिस स्टेशन से मुझे इसकी क्राइम हिस्ट्री मिली। ये कई बार जेल भी जा चुका है। आजकल सूदखोर इस सत्ता से अपने बकाया पैसे निकलवाने का काम भी लेते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स इस सत्ता को देते हैं और सत्ता उन सभी डिटेल्स को लेके अपनी स्टाइल से सारे पैसे निकलवाता है। सर, जितेश पटेल ने जिस नरपत से पैसे उधार लिए थे वो नरपत भी इसके कॉन्टैक्ट में था। ये सत्ता आप कहाँ है? सर, इसके बारे में तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने अपने खबरियों को बोल दिया है, वो इसका पता लगाएंगे। इस नरपत को सर्विलेंस पे डाल दो। ये सत्ता और नरपत जरूर मिलेंगे, तभी हम इस सत्ता को पकड़ पाएंगे। बस 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 माँ, आज मेरा फाइनल प्रेजेंटेशन है। मैं आप बद्दी डिजाइन तमने जो इन्हें बना भी छे। एक माँ जो दिन रात अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से काम करती है, आई एम श्योर उन्हें मेरे डिजाइन जरूर पसंद आएंगे और मेरा एक बड़ी सी कंपनी के लिए कैंपस सिलेक्शन होगा। बस एक बार सिलेक्शन हो जाए ना, तब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। खुश रहे, मारा आशीर्वाद हमेशा तारे साथी छे। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। पुलिस को बताएगी? ये देख, तेरा पति जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है वो घर नहीं पहुंचेगा, सीधा पहुंचेगा शमशान अगर उसने ये वीडियो देख लिया। अब फैसला तेरे हाथ में है, जो मैं कहूं चुपचाप से करती रहे, अगर नहीं तो अपने पति की चिता के लिए जो खर्चा हुआ उसके लिए एक और उधार ले ले, पर उसका इंटरेस्ट भी मैं ऐसे ही वसूलूंगा। प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मेरे पति को इसके बारे में कुछ मत बताना। कागज में तो तेरा घर गिरवी था, पर असली इंटरेस्ट तो तू बनेगी। अब देख, अब मैं कैसे इंटरेस्ट वसूल करता हूँ। अभी ऑपरेशन हुआ है वो घर नहीं पहुंचेगा, सीधा पहुंचेगा शमशान अगर उसने ये वीडियो देख लिया। अनंत तुम यहाँ? अरे आशना, आप कब से वेट कर रहा हो यार? बाय द वे, हुआ क्या? उन लोगों को मेरे डिजाइन बहुत पसंद आए, मेरा सिलेक्शन दिल्ली के सबसे रिप्यूटेड कंपनी में हुआ है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। इस बात तो पार्टी होनी चाहिए। आज रात को हम ऐसी पार्टी करेंगे कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे। चलो चलो। हवे केवल लागे छे? एकदम सारू। छाया, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। पैसा लेना एकदम सही डिसीजन था। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। आप और देख सकते हो, देखो सर। ये चलेगी। आओ सर।
कुछ सिखाया विखाया नहीं क्या तेरे को? मूड खराब करी थी तू। सॉरी, आइए ना बैठिए। अक्सर जब हम बुरे वक्त और बुरे हालात से घिरे होते हैं तब हमारे अंदर एक बेचैनी होती है, एक बेचैनी कि कैसे इस हालात से जल्द बाहर निकला जाए। और इस बेचैनी में कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हालात को बद से बदतर बना देती हैं। सत्ता और नरपत लोगों की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें एक ऐसे दलदल में धकेल देते थे कि जिसके बाद किसी के भी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए। अब तक पुलिस को जिन लोगों के बारे में पता चला था वो सभी नरपत और सत्ता के चक्रव्यूह में फंस चुके थे और हालात के साथ लड़ते लड़ते उनकी हिम्मत ने भी दम तोड़ दिया था। एक बार फिर एक मासूम जिंदगी इस जाल में फंसने वाली थी। उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसके द्वारा देखे गए किसी भी डरावने सपने से ज्यादा डरावना होगा। ये रेस्टोरेंट मेरे पापा ने बनवाया था, तुम्हें पता है? इसके अंदर डीजे की फैसिलिटी भी है, जन्नत है ये जगह। पर इतने सुनसान एरिया में क्यों? यहाँ कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं है? हम यहाँ से पार्टी वार्टी करने आते हैं और हमारे अलावा यहाँ से वही आते हैं जिन्हें इनवाइट किया जाए। तो अब चले अंदर या फिर इनविटेशन रिक्वेस्ट भी प्रिंटेड चाहिए? नहीं नहीं चलो चलो। ये देखो अनंत, ये सब लोग कौन है? मैंने तुम्हें कहा था ना, ये लोग इनविटेशन पे आते रहते हैं। पापा ने इनवाइट किया हुआ है, पार्टी करने आए होंगे। चलो हम अंदर चलते हैं। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। मैं यहाँ अनंत के साथ आई थी, जिसके पापा का ये फार्म हाउस है। उसके बाप का नहीं, हम सबके बाप का। एक्चुअली बाप का नहीं, हम सबके बाप का घर है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो तुम्हें यहाँ जानबूझकर लेकर आया। क्या बकवास है ये? कौन हो तुम और अनंत कहाँ है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ ये तुम डिटेल में जान जाओगे। तुम तो क्या, यहाँ की कई लड़कियां मुझे जानती हैं और औरतें भी। क्या बकवास है ये? विश्वास था तो नहीं मानेगी। ये देख। तुझ पे तो मेरी नजर कई सालों से थी, पर अफसोस शिकार तेरी माँ का हुआ। तेरी माँ ने तेरी एजुकेशन के लिए हमसे लोन जो लिया था और बदले में हमने भी उसे एजुकेशन दे दी। अब तेरी बारी इस एग्जाम को पास करने की। तेरी माँ से तो हमने उस पैसे का काफी इंटरेस्ट वसूला, पर अब उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं। तू तो बहुत लकी निकली रहे,
हमारे बॉस की तुझ में दिलचस्पी है, खास दिलचस्पी। सर, एक और सुसाइड की खबर आई है। हटिए प्लीज, हट जाइए, हटिए। जरूरत में ली गई मदद की किश्त एक बार फिर सांसों से चुकाई गई। जो पैसे किसी की जिंदगी बचाने की खातिर लिए गए थे, वही पैसे किसी की मौत का कारण बन गए। अब इस सब के बीच आशना भी फंस चुकी थी। एक बच्ची जिसने कई सपने देखे थे, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके सपनों की कीमत उसकी माँ किस तरह चुका रही थी। जिस रास्ते पर आशना को धकेल दिया गया था, वो रास्ता जिंदगी के साथ खत्म होता था। तो क्या अब आशना भी वही करेगी जो बाकी के बेकसूर लोगों ने किया? कहाँ रह गई थी तू? मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रही हूँ। अर्चना क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मम्मी, मने दिल्ली माँ का मरी गयी उच्छे। ये तो खुशी की बात है। फिर तू क्यों रो रही है? मेरा बच्चा, ग्रेजुएशन बच्चा। के अलावा मेरा कौन था? 5 लाख रुपए लिए थे हमने नरपत से। छाया ने एक भी मिनट कुछ भी नहीं सोचा, बोला मुझसे ज्यादा उसे कुछ भी प्यारा नहीं है। ये नरपत से कैसे मिले आप लोग? यहाँ के डॉक्टर, डॉक्टर वासवानी ने उनको हमारा नंबर दिया था। फिर नरपत खुद घर पर आया और पैसे दिए। उसके बदले में उन्होंने हमारा घर गिरवी रखा था। क्या वासवानी, लोगों को बड़ा उधार दिलाता है, वो भी ऑन द स्पॉट। हमारे साथ चल, बिना उधार लिए हम अच्छा इंटरेस्ट देते हैं। सर, मैंने क्या किया? तूने क्या किया है क्या नहीं किया है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इज्जत से बता दे कि नरपत से तेरा कनेक्शन कैसे हुआ। नरपत मुझे 2% कमीशन देता था और मैंने जितने भी लोगों को उसके पास भेजा, उसने सबका काम कर दिया।
और मुझे कमीशन भी टाइम पे भी मिला सर। तूने जितने लोगों को भी नरपत के पास भेजा ना, उनका काम नहीं हुआ बल्कि काम तमाम हो गया है। उल्टा लटका के तुझे इतना मारूंगा ना जितनी तूने इस धंधे से कमाई भी नहीं की होगी। सर मेरी बात सुनो सर। सर अब इस नरपत को उठाने का टाइम आ गया है। चल। अरे साहब मैंने सुकाम चल मैं सो करियो साहब। अरे चल कॉल करने का कोई फायदा नहीं है, फिलहाल तो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में जाने वाला है। चल देखिए सब, छाया और जितेश की मौत से मेरा कुछ लेना देना नहीं है साहब। पर सत्ता से तो लेना देना था ना, जिसके साथ मिलकर लोगों को पैसे बांटता था और बदले में इंटरेस्ट के रूप में उनकी जिंदगी लेता था। साहब मैं सारे सारे पेपर सत्ता को बेच देता था और सब वो इंटरेस्ट के रूप में सारे पैसे मुझे देता था वापस वो, और बाकी बचे जेवर और घर के पेपर्स मुझसे ले लेता था। सत्ता कहाँ है? पता नहीं साहब, वो अलग अलग नंबर से फोन करता था और वो नंबर भी उन्हीं के नाम से खरीदता था जिसके पेपर्स उसके पास होते थे। सर इसकी बेल लेके इसका वकील आया। ये मत सोचना कि इस बेल से छूट के तू बच जाएगा। जिस तरह से तुम्हें कानून का फायदा उठाना आता है ना, हमें भी पूरा विश्वास है एक दिन यही कानून तेरी किस्मत में बेल की जगह जेल लिखेगा। निकल चल। हिरेन ये नरपत जितना खड़ा है ना उतना ही गड़ा है, इतनी जल्दी इसका जमानत पे छूट जाना कोई आम बात नहीं है। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर कुछ बड़े नाम छिपे हैं। वडोदरा पुलिस के अभी अभी किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चला है कि कुछ लोग उन भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा कर उनका शोषण कर रहे हैं जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत है। उन लोगों को पहले ये पैसे कम समय में उपलब्ध कराए जाते हैं और पैसे ना देने के बाद उनकी घर जमीन और जेवर जब्त किए जाते हैं। पैसे देने वाले लोग ब्याज लेने के लिए किसी भी वक्त वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद शुरू हो जाती है उन परिवारों के साथ जुल्म की एक दर्दनाक कहानी। वडोदरा पुलिस ने सब लोगों से अनुरोध किया है कि जिसके साथ भी ये घटना हो रही है वो कृपया सामने आ जाए, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और उन्हें पूरी तरह सुरक्षा दी जाएगी। आशना मैं काम पर जा रही हूँ, खाना टेबल पर रखा है निकाल कर खा लेना और टाइम से सो जाना बेटा। हाँ मम्मी हवे तुमने काम करवानी जरूरत न थी, अब मैं हूँ ना मैं सब संभाल लूंगी। अभी के अभी अड्डे पर आ जाओ, बॉस खुद तुमसे मिलना चाहते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नेताजी अमोक मजेटिया जी। मने आ सांभळीने बहु खराब लाग्यु कि खेडूतना त्रण परिवारोए एक साथे आत्महत्या कर दी थी। जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद था, हम इस पर शोक व्यक्त करते हैं। अमोक मजेठिया है ना? अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना क्रेज है आजकल की बच्चियों में। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां इतनी पसंद है। तुम्हारी पसंद और नापसंद का ख्याल तो लॉकअप में रखा जाएगा अमोक मजेठिया। ये चलो इसे। ए, इसको लेकर जा रहा है पता है ना? अब बस मुंह बंद, वरना अच्छा नहीं लगेगा कि भरे बाजार में नंगा करके लड़कियों से जूतियां पड़वाऊंगा। ले चलो इसे। थैंक्स आशा, तुम्हारी वजह से कई लोगों की जिंदगियां बची और कईयों की मौत को इंसाफ मिला। इन सब के बीच में मेरी माँ का नाम तो नहीं आएगा ना? नहीं। गुजरात पुलिस के रातों रात किए गए ऑपरेशन ने सारे लोगों को चौंका के रख दिया है।
गुजरात पुलिस ने नेता अमोक मजेठिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नेता अमोक मजेठिया एक ऐसा गिरोह चला रहा था जो लोगों की जरूरतों का फायदा उठाकर उन्हें वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में धकेल रहा था। अमोक मजेठिया को उनकी पार्टी ने बर्खास्त कर दिया है। इन सब में अमोक मजेठिया का काला पैसा लगा हुआ था। पुलिस ने अमोक मजेठिया सहित और 6 लोगों पर चार्जशीट फाइल कर दी है। मम्मा, दिल्ली चले? आश्रम इस मजबूत कदम से आखिरकार नेता अमोक बेनकाब हुआ और साथ ही न जाने कितने बेकसूर लोगों की मौत का जिम्मेदार भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। पुलिस ने अमोक के साथ नरपत, सत्ता, वसानी और बाकी के लोगों को भी अरेस्ट किया। अमोक और सत्ता पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के चार्जेस लगाए गए हैं और इन सभी पर ठगी और धोखाधड़ी का भी केस बना है। हमारे आसपास ऐसे कई आपराधिक मंसूबों वाले लोग हैं जो इस ताक में रहते हैं कि वो कब और किस तरह किसी की मजबूरी का फायदा उठा सके। इसलिए बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करना एक बहुत बड़ी गलती में तब्दील हो सकता है। जो सिग्नेचर हम ये सोचकर करते हैं कि इसके बाद हमारी जिंदगी की तकलीफें दूर हो जाएंगी, लेकिन वही ये गलत सिग्नेचर आपकी जिंदगी को मुसीबतों से घेर भी सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.